अगर हार ना हो इस जीवन में तो जीत का भी कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, फेलियर और सक्सेस ये दोनों शब्द हैं तो एक दूसरे के विपरीत, लेकिन रहते हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, एकदम पक्के दोस्तों की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना है कि असफलता मिलने पर नाकामयाब लोग बिखर जाते हैं और कामयाब लोग निखर जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग कुछ ही असफलताओं से हार मान लेते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो फेलियर को अपना दोस्त मानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक वो अपनी सोच को सच में नहीं बदल देते। और ऐसे ही कुछ महान जिद्दी लोगों के फेलियर्स के किस्से हैं आज की इस फेलियर्स डायरी में, और जिसकी शुरुआत हम करेंगे दुनिया में फेलियर्स के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति से। जी हाँ, सही पहचाना आपने, थॉमस अल्वा एडिसन से, जिन्होंने घर घर में अपने बल्ब के आविष्कार से उजाला किया। लेकिन फेलियर और इनका बचपन से ही काफी गहरा रिश्ता रहा। जनाब केवल 3 महीने स्कूल गए और स्कूल वालों ने इन्हें ये कहकर निकाल दिया कि ये मंदबुद्धि हैं। प्रारंभिक शिक्षा माँ ने घर पर ही दी और फिर खुद ही लगे रहे सेल्फ स्टडी करने में। लेकिन 12 वर्ष के हुए तो एक इन्फेक्शन के कारण इनकी सुनने की क्षमता काफी कम हो गई। इन्होंने उसे भी पॉजिटिव वे में लिया कि चलो अब बाहर की आवाजें काम करते हुए परेशान नहीं करेंगी। नौकरी करना शुरू किया तो पहली 2 नौकरियों से इन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि ये नॉन प्रोडक्टिव है। लेकिन दिन में केवल 4 घंटे सोने वाले इस बंदे ने कभी भी किसी भी असफलता को अपनी हार नहीं माना, क्योंकि इनका कहना था कि हार तो कोशिश की होती है या उस तरीके की जो असफल रहा। और अगर ये बंदा अपनी 1st, 2nd, 50th, or 100th हार पे खुद की हार मान लेता ना, तो हो सकता है आप और मैं आज भी मोमबत्ती, मशाल या लालटेन की रोशनी में ही बैठे होते हैं। लेकिन ये जनाब भी गजब के ढीठ थे। ढीठ समझते हैं आप? ढीठ मतलब जिद्दी। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगे रहे एक के बाद दूसरी कोशिश करने में। इनकी हर असफल कोशिश से वो कुछ सीखते और फिर से लग जाते अपनी नई कोशिश में, और फिर फेल होते, फिर कोशिश करते। इसी तरह ये फेल कोशिश का ये सिलसिला चलता रहा, और जितनी भी बार इनकी कोशिश असफल होती वो अपने आप को अपनी कामयाबी के और करीब पाते, क्योंकि ये जनाब जानते थे कि हर बार वो फेल नहीं होते, उनका तरीका फेल होता है, उनकी कोशिश फेल होती है। इन्होंने खुद को कभी भी फेलियर माना ही नहीं। इसलिए 9999 कोशिशों के बाद एडिसन ने कर डाला बल्ब का आविष्कार। एडिसन का कहना था कि वो 9999 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 9999 ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब बन ही नहीं सकता था। कितना ढीठ, कितना जिद्दी रहा होगा ये बंदा। लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, ताने कसे होंगे। भाई 10,000 बार फेल होना, सोचो अगर आप एक काम को करने में केवल 10 बार फेल हो जाओ तो क्या करोगे? क्या 11वीं बार उस काम को करने की सोचोगे? और सोचने पर भी एडिसन ने खूब कहा है कि इस दुनिया में केवल 5% लोग ही सोचते हैं, 10% लोग सोचते हैं कि वो सोचते हैं, और बाकी बचे 85% लोग सोचने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। आप भी सोच के देखिएगा कि आप 5% में आते हैं या 10% में या फिर बाकी बचे 85% में। ये आप हमें नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं इस प्लेनेट के एक और जिद्दी फेलियर जैक मा की। अलीबाबा के फाउंडर और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में 21वें नंबर पर आने वाले इस इंसान की जिंदगी में होलसेल में फेलियर आए। गरीबी में पैदा हुए, जैसे तैसे कर ग्रेजुएशन की और नौकरी की तलाश में निकल पड़े। इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहे लेकिन हर बार रिजेक्ट होते रहे। उनके अपने शहर में KFC में नौकरी के लिए 24 लोगों का इंटरव्यू लिया गया और 23 लोगों को नौकरी दे दी गई, और ये इकलौते ऐसे इंसान थे जो उस नौकरी को पाने में असफल रहे। पुलिस में भर्ती के लिए इनके समेत 5 लोग गए, 4 को भर्ती कर लिया गया, और जैक मा फिर से वो इकलौते इंसान थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नौकरी के लिए 30 बार इंटरव्यू दिया और एक के बाद एक लगातार रिजेक्ट कर दिए गए। पढ़ाई के लिए हार्वर्ड में 10 बार अप्लाई किया लेकिन 10 बार रिजेक्ट। न सपोर्ट में अमीर माँ बाप, न खुद के पास पैसा, लेकिन बंदा था ढीठ, एकदम जिद्दी। खुद को कभी असफल माना ही नहीं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से $2,000 लेकर खुद की कंपनी खोल डाली अलीबाबा। और जब ये कंपनी खोली तब लोगों ने खूब टांग खींची कि ये आइडिया ही बेकार है, ये कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी, जल्द ही बंद हो जाएगी। लेकिन ये बंदा माना नहीं,
लगा रहा और बना डाली एक ऐसी कंपनी जिसे आज पूरी दुनिया अली बाबा के नाम से जानती है। अब बात करते हैं इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनकी दमदार आवाज हम सबके दिलों पर राज करती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इन्हें इन्हीं की इसी आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने फिल्मों में रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उनकी लंबाई के कारण उन्हें कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। जब शुरुआत में वे मुंबई आए तो उन्हें कई रातें मैरीन ड्राइव पर ही बितानी पड़ी। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू तो हुआ, लेकिन एक के बाद एक लगभग 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। लेकिन ये जनाब भी उसी ढीठ यानी की जिद्दी कैटेगरी के थे, माने नहीं और लगे रहे अपने फेलियर्स को फेल करने में। उसी दौरान इन्हें मिली जंजीर फिल्म और इस फिल्म में ऐसी दमदार भूमिका निभाई कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिल गया और उन्होंने अपने फेलियर्स को फेल करते हुए आने वाले वर्षों में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी और कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए। लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब उनकी सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप होने लगी। उन्होंने राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत की, भारी मतों से जीते भी, लेकिन इसके बावजूद वे राजनीति में सफल नहीं हो पाए। ABCL से प्रोडक्शन में आए तो इतना नुकसान हुआ कि अपना सब कुछ गवा बैठे और कर्जे में डूब गए और लोगों ने कहा कि अब शायद अमिताभ बच्चन दोबारा कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन महानायक ने अपने किसी भी फेलियर को कभी भी अपनी हार नहीं माना और जमे रहे उसी पिच पर और लगे रहे कोशिशों में और अपनी कोशिशों से दोबारा अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और अपने सारे कर्जों को उतार एक बार फिर से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और आज भी उम्र के इस पड़ाव में टीवी, मूवीज और एडवर्टाइजमेंट में जितनी डिमांड उनकी है, वो अपने आप में एक मिसाल है कामयाबी की। अब बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। गरीबी में पैदा हुए दोस्तों से किताबें मांग मांग कर अपनी पढ़ाई किया करते थे। पढ़ाई के साथ पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ काम भी किया करते थे। केवल 9 वर्ष के थे जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जिस लड़की से प्यार किया वो इन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। नौकरी की तो वहां से निकाल दिए गए और पैसे उधार लेकर 2 बार बिजनेस किया, लेकिन दोनों बार बुरी तरह से असफल रहे और कर्जे में डूब गए और आने वाले कई वर्ष कर्जा उतारने के लिए काम करते रहे। एक लड़की से इनकी एंगेजमेंट हुई, लेकिन एंगेजमेंट के बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। इतनी असफलताओं से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन हार नहीं मानी और कोशिश नहीं छोड़ी और 8 बार इलेक्शन लड़ा और 8 बार बुरी तरह से हारे। लेकिन बंदा ये भी जिद्दी था और ठीक था, माने नहीं और जीवन में पहली सफलता जब मिली तब वे 51 वर्ष के थे और सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, इस वीडियो में फेलियर से कभी ना डरने वाला आखिरी बंदा है कर्नल सैंडर्स। जब ये केवल 5 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। 16 वर्ष की उम्र में इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और 17 साल का होते होते इन्हें 4 नौकरियों से निकाल दिया गया। 18 वर्ष में शादी की, 19 वर्ष में एक बेटी हुई, 20 वर्ष की उम्र में इनकी बीवी इन्हें इनकी बेरोजगारी के कारण छोड़कर चली गई। अपनी ही बेटी को अपनी बीवी से चुराने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहे, लेकिन अपनी बीवी को किसी तरह मनाने में कामयाब रहे। उसके बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। उसके बाद भी कई नौकरियां की और वहां से भी निकाल दिए गए। इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट बनकर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी ये जनाब फेल रहे। उसके बाद उन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुक और बर्तन मांजने का काम किया और इसी काम को करते हुए जब वे रिटायर हुए तो उन्हें $105 का चेक मिला और उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और 65 की उम्र में $105 में वे कैसे जिएंगे। एक बार तो उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन उन्हें लगा कि अभी भी कुछ ऐसा है जो वो दूसरों से बेहतर कर सकते हैं और वो था कुकिंग। और उन्होंने $87 और उधार लिए और अपने चिकन की एक सीक्रेट रेसिपी बनाई और जगह जगह घूमकर रेस्टोरेंट्स के मालिकों को उस रेसिपी से बना चिकन खिलाते रहे और हर जगह से उन्हें नो सुनने को मिलता रहा। पहला यह सुनने से पहले उन्हें लगभग 2 साल तक 1009 बार नो सुनना पड़ा और तब जाकर उन्हें पहला यस सुनने को मिला और उसके बाद ये सिलसिला 1 से 2, 2 से 4 और बढ़ता गया उनके KFC ब्रांड का कारोबार। बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने KFC के सभी राइट्स और रेसिपी का फार्मूला एक बहुत बड़ी रकम लेकर बेच दिया, लेकिन KFC ब्रांड के साथ कर्नल सैंडर्स की तस्वीर का रिश्ता आज भी कायम है।
दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि इन सब से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो दोस्तों इन सभी की जिंदगी में काम और परिस्थितियां तो अलग अलग थी, लेकिन जो दो बातें कॉमन थी वो था इन सब की लाइफ में होलसेल में फेलियर्स का आना, और दूसरी कॉमन बात जिसकी वजह से ये सभी कामयाब हुए वो थी निरंतर कोशिश और इन सबकी जिद। जिद किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने की, असफलताओं को एक नया अवसर मान, गलतियों को सुधारते हुए एक और कोशिश करने की जिद, बार बार गिरकर उठने की जिद, हर असफलता से कुछ नया सीख आगे बढ़ने की जिद, स्वयं पर विश्वास रख सपनों को सच करने की जिद। दोस्तों असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं होते हैं तो सीखेंगे नहीं, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ना जाने आपका ये एक शेयर आपके किसी दोस्त को उसके जीवन में आने वाले फेलियर से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा दे दे। और अंत में प्रथम स्टाइल में, अगर हार ना हो इस जीवन में तो जीत का भी कोई अर्थ नहीं, नाकाम कोशिशें हो सकती पर संघर्ष तेरा ये व्यर्थ नहीं, नहीं मिली सफलता गम ना कर, कोशिश तू अपनी कम ना कर, हर प्रश्न का तेरे हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, हल निकलेगा, कोशिश।